हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुका था मैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अब इसके अंदर गौर करना, क्या करना है, ये फिगर दिया हुआ है, इसके हेल्प से अपने को प्रूफ करना है, ये पूरा अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, और इसमें ये भी बोला कि आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डी ए सी सी ए बी, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये फाइंड करना पड़ेगा, 1/p² ये फाइंड करना है। क्लियर। फिर उसके बाद रिलेट करना पड़ेगा सी ए बी, ये तीनों को रिलेट करके पैथागोरस थ्योरम का यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी डी जो है आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ई आपने लिख दिया जो जैसा दिया हुआ था। फिर उसके बाद बी सी कितना दिया आपको, बी सी आपको दिया ए, ए सी जो है हमारे पास बी, और ए बी अपने पास कितना दिया है, सी दिया है, और सी डी कितना दिया अपने पास, पी दिया है। इतना क्लियर हो गया, पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हमने लिख दिया। और अपने को प्रूफ करना है तो मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी सिमिलर है ट्राइंगल सी ए बी के, है ना, ये इसके सिमिलर। रीज़न क्या दोगे यहाँ पे, यहाँ पे रीज़न दे सकते हो बाय सिमिलरिटी ऑफ, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि एक बड़ा सा ट्राइंगल बना हुआ है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनेगा, किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर, यानी वो बड़ा सा ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके हाइपोटेनस के ऊपर, हाइपोटेनस यानी जो 90 के सामने वाला होता है साइड, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनता है, एल्टीट्यूड बनता है, तो इस तरह के फिगर में क्या होता है, एक दो तरह के नए ट्राइंगल बन जाते हैं। एक ट्राइंगल देखो यहाँ बन गया, एक ट्राइंगल यहाँ, और जो दोनों ट्राइंगल बनते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, और ये दोनों तीसरा वाला जो ट्राइंगल जो बड़ा वाला उसके भी सिमिलर होते हैं। ये ट्राइंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक दूसरे के सिमिलर है। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद कि देखो भाई इतना हो गया, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कैसे, डी सी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, डी सी जो है, डी सी, डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा ए सी, ए सी अपॉन ए बी, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, यहाँ पर रीजन दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट करो, जिसकी जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं, क्या क्या वैल्यू है देखो, यहाँ पे डी सी कितना दिया हमारे पास, डी सी देखो, डी सी हमारे पास जो था, डी सी डी सी डी सी यानी कि सी डी, ये पार्ट कितना था हमने हमारे पास पी था, तो यहाँ हमने लिखा पी। फिर उसके बाद हमारे पास बी सी जो है, बी सी कहाँ है बच्चों, बी सी ये है बी सी, सबको कलर कर देता हूँ मैं, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये बी सी है, ये ए सी है, और ए बी है। ठीक है, तो बी सी कितना हमारे पास, ए है, फिर ए सी कितना हमारे पास, बी है, और ए बी कितना है, सी है। तो ए सी लिख दिया हमने बी, और ए बी हमारे पास कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है, जिनका जिनका वैल्यू दिया तो वही हमने क्या किया, प्रोपोर्शन के हिसाब से ले लिया। क्लियर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो सकता है, क्रॉस की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको इधर लेके चले आओ, क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, 1/p फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सी को इधर लेके चले जाओ और बी को इधर लेके चले जाओ, तो मैं सी इधर लेके चले गया और बी वहीं रहने दिया, उसके बाजू में ए ले लिया हमने, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, बी इधर पे लाया हमने, बी यहाँ पे लाया ए के बाजू में, सी ऊपर लेके चले गए और पी यहाँ लेके चले गए, पी हमने यहाँ ले दिया, तो 1/p कितना आ गया, सी, सी अपॉन बी ए। क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ मैं, पी 1/अपॉन में लाना था पी, देखो 1/अपॉन में लाना था ना पी, तो अपॉन में लेके चले गए सीधा, यानी इससे यहाँ पे लेके चले गए, बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और सी को
पी के प्लेस पे ला के रख दिए, इतना क्लियर हो गया। अब पावर में लाना है तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर कर लो, पावर लाना है तो टेकिंग स्क्वायर करो, टेकिंग स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पावर में आ जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, वन अपॉन पी स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। पावर में लाना तो हमने क्या किया, पावर में ले लिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद रिलेट करना है एबीसी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इन ट्राइंगल लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पी जी टी, पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हमने किया। तो यहां पे होगा, क्या लिखोगे आप बोलो। अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले ए बी स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस क्या ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इतना हो गया। अब आगे क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। तो ए बी कितना हमारे पास, देखो ए बी कितना दिया है, ए बी सी है, सी स्क्वायर हो गया, फिर ए सी स्क्वायर कितना दिया है, बी स्क्वायर हो गया, फिर बी सी कितना दिया है, ए दिया है, तो वहाँ क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ये हो गया ए स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। अब इसको नंबर दे दो आप सेकेंड, चलो इसको हमने क्या नंबर दे दिया, सेकेंड, और पहला वाला एक था इसको नंबर फर्स्ट दे दो, इसको क्या लिखो, फर्स्ट, इसको हमने क्या लिखा, फर्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, सी के जगह पे हम लोग वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सी के प्लेस पे, इस सी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा सी के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, और यहाँ पे वन अपॉन पी स्क्वायर, ये इतना क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया। तो हमने इस सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई में ना, सॉरी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लगाना है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मल्टीप्लाई, ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका ए स्क्वायर हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब आपको मालूम है इसको हम लोग दो टाइम भी लिख सकते हैं, कैसे दो टाइम लिखोगे, बेस अगर सेम है तो उसको दो टाइम भी लिखा जा सकता है, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन पी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, वो कैंसिल कर दो आप, है ना, जो जो कैंसिल हो सकता है कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास वहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा वन अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर वन अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे वन अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, वन अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना था, अपने को ये प्रूफ करना था वन अपॉन पी स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको राइट साइड में करके लिख दो। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर, तो यही अपने को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये था, तो हमने लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बस वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, याद रखिए कंस्ट्रक्शन में कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है, अगर ट्राइंगल में कोई भी एक, देखो ए बी सी दिया, यहाँ पे एल एम एन दिया, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अगर कुछ कॉमन रहता, मान के चलो यहाँ पे ए बी सी दे देता और यहाँ पे ए एम एन ऐसा दे दे, तो आपको फिगर कुछ इस तरह से बनाना रहेगा, इस टाइप का जो फिगर आता है ना, आपको याद होगा, एक ऊपर ट्राइंगल एक नीचे ट्राइंगल, तो इस तरह का फिगर बनाना रहेगा, अगर दोनों में कुछ कॉमन नजर आएगा, अगर कॉमन नहीं आएगा तो फिर अलग अलग ट्राइंगल बनाना रहेगा, क्लियर। अगर दोनों कॉमन नहीं रहेगा तो अलग अलग ट्राइंगल आप बनाओगे। कैसे सॉल्व करना है देखो, तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के, ठीक है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन एल एम हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कैसे लिखना रहता है मालूम है ना, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में ए बी लिया तो यहाँ पे एल एम ले लोगे, फिर बी सी लोगे
तो यहाँ पे एम एन ले लोगे, ठीक है, इस तरह से आपको लेना रहेगा, पता है ना आपको। तो यहाँ पे ए बी और एल एम हो गया, यहाँ पे बी सी हो गया, तो यहाँ पे एम एन हो गया, फिर यहाँ पे ए सी होगा पहला और लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ये हो गया। इतना लिखने के बाद ए बी अपॉन एल एम हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो सबकी, है ना, सबकी वैल्यू पुट कर दो, जो फाइंड करना रहता है, या जो जो फाइंड करना रहता है, कोई दो ले लो, तो वैल्यू पुट करना है तो तीनों की वैल्यू पुट करो। ऊपर क्या क्या दिया है, ए बी दिया हमारे पास, बी सी दे दिया और सी ए दे दिया है, ए सी यानी कि सी ए, सबकी वैल्यू पुट कर दूँ मैं। सबसे पहले ए बी कितना हमारे पास, 5.5, ये हमने लिख दिया, एल एम लिख दिया, फिर बी सी कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया, फिर एम एन लिख दिया हमने, फिर उसके बाद ए सी कितना दिया है, 4.5 दिया, और एल एन लिख दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद दो दो का ग्रुप बना के सॉल्व करो, तो क्या देखो, बी सी अपॉन कितना है, एम एन कितना है, 5/4 दिया है। बी सी अपॉन एम एन अगर 5/4 है, इसका मतलब तीनों की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 5/4 होगी, क्योंकि तीनों ही रेशो क्या हुआ है, एक दूसरे के इक्वल है, तीनों ही रेशो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये 5/4 के इक्वल है, तो पूरा का पूरा तीनों भी 5/4 के इक्वल होगा, ये हमने इसलिए लिख दिया ऐसा। अब कोई भी दो ले लो आप, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इन दोनों को ले लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, है ना, तो काम होगा, नहीं होगा, है ना। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको क्या करना है, इन दोनों को ले लेता हूँ पहले, अगर मैं इन दोनों को पहले ले लूँगा तो क्या बनेगा, देखो आपको लिखना पड़ेगा 4.5 डिवाइड बाय एल एन 5/4, ठीक है। उसके बाद जो फाइंड करना है उसको सेपरेट कर दो, एल एन को इधर लेके आओ, एल एन को इधर लाया हमने, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एल एन को इधर लाओगे, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, और 5 डिवाइड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो आप इसको, तो डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, तो 09 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, 3.6 आ गया आपका एल एन। तो इस तरीके से आपने एल एन निकाल लिया, कितना हो गया, 3.6 हो गया, ये आपने पहला सॉल्व कर दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, अब आगे आपको सॉल्व करना है, देखो एल एन हो गया, एल एन के बाद आप क्या करोगे, पहले ये दोनों लिए, अब पहला ये लो, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको, अब इन दोनों को लो, अब इन दोनों को ले लो आप, क्लियर। तो इन दोनों कैसे लोगे आप, देखो ध्यान दो, 6 mn हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाय 5/4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे मालूम करना है, 6 को 4 के पास लेके गए, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया mn, डिवाइड करो, है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया, 24 डिवाइड बाय 5 हो गया, तो हो गया आपका mn, ये mn हो गया। 5 के टेबल से डिवाइड करो, 5 4 जा 20 हो गया, रिमेनिंग कितना आया, 4 आ गया, ठीक है, रिमेनिंग कितना है, 4, यहाँ पे 0 लगाओगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0.58 या 40 हो गया, ये हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, इतना हो गया, आपने एम एन मालूम कर लिया, आपको एल एन मालूम करना है, चलो एल एन मालूम करते हैं हम लोग, तो एल एन कैसे मालूम करोगे, ठीक है, अब क्या करोगे, ये वाला और ये वाला ले लो, पहला और लास्ट वाला, 5.5 एल एम हो गया, और यहाँ पे हो गया 5/4 हो गया, ठीक है। अब एल एम उधर लेके जाऊँ, तो अगर हम लोग एल एम उधर लेके जाएंगे, तो एल एम हो गया यहाँ पर, यहाँ पे आएगा 5.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 5। अब आपने यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, 5 का टेबल पढ़ोगे 11 आ गया, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.1, कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा, तो ये आपका एल एम आ गया 4.4। तो इस तरह से आपने एल एम भी निकाल लिया, तीनों आपने निकाल लिया। अब देखो फिगर कैसा बनाना है, देखो ए बी बी सी और सी ए, अभी फिगर बनाना है, तो ए बी बी सी कितना दिया है, तो बी सी ले लो आप, बी सी हो गया आपका 6 ले लिया आपने, बी सी 6 ले लिया, फिर उसके बाद ए बी कितना लोगे, ए बी लेना है, तो ए बी कहाँ होने वाला, ऊपर होने वाला है, तो इस तरह से ए बी लो, यहाँ पे कट कर दोगे, कितना लेके कट करोगे, 5.5, तो 5.5 लेके ऊपर कट करोगे, फिर सी ए कितना है, 4.5, तो सी ए 4.5 लेना है, तो सी यहाँ पर रख के कट करोगे, तो यहाँ पर आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ज्वाइन कर लेना कट करके, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे नाम क्या, ए ए बी कितना आ गया हमारे पास, 5.5
और BC कितना आ गया हमारे पास 6 और CA कितना आ गया 4.5। ये पहला वाला आ गया। दूसरा वाला कितना बनाना है, दूसरा वाला LMN है। तो LMN कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे दिया LMN, तो LMN में MN कितना दिया है 4.8D है। तो 4.8D है तो सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो, MN 4.8, तो ये 4.8 हो गया M और N, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, M की बात हो गई, ऊपर L लेना है, है ना, ऊपर L लेना है। तो LM कितना आएगा, देखो LM हमने निकाला, कहाँ निकाला भाई, LM किधर है भाई, LM इधर 4.4 है। तो 4.4 लेके ऊपर कट करोगे तो 4.4 हो गया। फिर एक कट और करना है अपने को 3.6 पे करना है, कितने पे करना है 3.6, तो यहाँ रख के यहाँ कट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा, यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया आपका LMN। तो LM कितना था हमारे पास, LM हमारे पास जो था जो हमने निकाला वो लिख दो 4.4 इधर हो गया। फिर दूसरा वाला जो था 3.6, तो 3.6 हमने ये लिख दिया, ठीक है। इस तरह से फिगर बन के तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।